दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन है और बांग्लादेश अपने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर मात्र 158 रन ही बना सकी है। तो वहीं अभी भारतीय टीम के पास 357 रनों का बढ़त मौजूद है। बांग्लादेश को पहला टेस्ट मैच हराने के लिए भारतीय टीम को मात्र बांग्लादेश के 6 विकेट चाहिए और बांग्लादेश को यह टेस्ट मैच जीतने के लिए 357 रन बनाने होंगे, जो नामुमकिन सा लक्ष्य लग रहा है बांग्लादेश की टीम को देखकर, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पहली पारी में मात्र 150 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। जहां भारतीय टीम ने पहली पारी में 376 रन बनाए थे, वहीं दूसरी पारी में 277 रन बनाकर 4 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर कर दिया था। भारतीय टीम के तरफ से शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने गजब की बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने शतक लगाया और बांग्लादेश की टीम को नेस्त व नाबूद कर दिया। अभी बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन सांतो और बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीबुल हसन मैदान पर जमे हुए हैं भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए। जहां सांतो 51 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं शकीबुल हसन मात्र 5 रन बनाकर नाबाद है। बांग्लादेश की तरफ से मुशफिकुर रहीम सहित 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट अपने नाम किए हैं। दोस्तों इस मैच को लाइव देखने के लिए आप जियो ऐप पर जा सकते हैं या स्पोर्ट्स 18 पर लाइव देख सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश को कितने रनों से हराने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि बांग्लादेश को पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए 357 रन बनाने हैं, जो बांग्लादेश के लिए नामुमकिन है, और वहीं भारतीय टीम को मात्र 6 विकेट चाहिए, जो भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही आसान काम है। खासकर जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा जैसे महान गेंदबाजों के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाजों का टिकना बहुत ही मुश्किल है। तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि भारतीय टीम इस मैच को कितने रनों से जीत सकती है और भारतीय टीम WTC के फाइनल में अपनी जगह को पक्की करने के कितने करीब आ सकता है।